आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। कवलजीत संधू हमारी सहयोगी फिरोजपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। कवलजीत, हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह की सियासत इस पूरे मामले पर हो रही है। बीजेपी कह रही है बहुत बड़ी चूक है, षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ किया गया है, डीजीपी ने ही रूट क्लियरेंस इस रूट के लिए दिया था। वहीं हमने चन्नी साहब मुख्यमंत्री की भी बात सुनी है, ग्राउंड जीरो पर क्या सामने आ रहा है। और ये जो कई कई वीडियोस दिखाए जा रहे हैं जिसमें पुलिस वाले विरोध प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे हैं, उनकी सच्चाई क्या है, क्या हुआ है? आपको सीधे सीधे पता है कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, 9 फार्म यूनियंस हैं, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मोदी सरकार के खिलाफ वो विरोध करेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि पोल कैंपेन चीफ हैं बीजेपी के, वो खुद ही उनसे मिल रहे थे और रात के 2 बजे तक मुलाकात चल रही थी। अगले दिन प्रधानमंत्री यानी आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी थी, तो ऐसी बात सबको पता थी कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसमें पुलिस वाले भी मौजूद थे। और अगर आपको बात करें लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ये बात तय थी कि लाठियां ले जाई जाएंगी, गन्स का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई फायरिंग नहीं खोलेगा। और ये भी कहा गया था कि जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर प्रोटेस्टर्स को ले जाया जा रहा है तो वो एक ओपन जेल में रखेंगे, लेकिन जबरदस्ती नहीं की जाएगी। अगर हम फार्म यूनियंस की बात करें, मीटिंग के बावजूद उन्होंने कहा हमें लिखित में सब कुछ चाहिए। जब ये बात मानी नहीं गई तो उन्होंने सारे जो ब्लॉकेड हैं, जो रोड्स हैं, उनको ब्लॉक कर दिया। लेकिन उसी बीच बारिश काफी हो रही थी, उसकी प्रेडिक्शन भी थी। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी भटिंडा पहुंचे, वहां से उन्होंने तय किया कि वो बाय रोड जाएंगे। और जब वो बाय रोड जाने लगे, वहां से 30 किलोमीटर दूर जहाँ पे हुसैनीवाला का नेशनल मार्टिर्स मेमोरियल है, वहां से अगर हम बात करें ब्रिज पर, वहां पे उन्हें विरोध प्रदर्शन करते हुए कुछ किसान मिले और वहीं से पूरा बवाल शुरू हुआ है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एसपी जी ने एक क्लियरेंस मांगा था पंजाब पुलिस से, पंजाब पुलिस ने वो क्लियरेंस दी, उसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी भटिंडा के रूट से निकले। लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है सामने, वो कह रहे हैं कि अचानक से ही जो किसान हैं वो सामने आ गए और इस वजह से ये विरोध प्रदर्शन हुआ। हालांकि चन्नी सरकार अब एक डैमेज कंट्रोल पे आ रही है, बोले कि प्रधानमंत्री पे कोई आंच भी आए ऐसा वो होने नहीं देंगे, पंजाबी ऐसे है ही नहीं। दूसरी ओर वो कह रहे हैं कि जांच होगी। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि बारिश की वजह से और किसान विरोध प्रदर्शन की वजह से जो लोग कम आए थे उससे फेस सेवर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी द्वारा ये किया गया है। तो षड्यंत्र की बात दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है और इसे बहुत संजीदा तरीके से लेना चाहिए। और उत्तर स्तरीय जांच, और हमने देखा है कि किस तरह से एमएचए ने इस पर रिपोर्ट मांगी है। फिलहाल राजनीति तो हो रही है और गरमाई की भी, क्योंकि यहाँ पे पंजाब में इलेक्शन है। लेकिन उससे पहली बात है कि इस तरह का जितना सिक्योरिटी ब्रीच किया गया है इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हुआ है, और एक संकेत पाकिस्तान को भी मिलता है या दूसरे देशों को भी मिलता है कि किस तरह से ये पॉलिटिक्स चल रही है। फिलहाल ये बात सिक्योरिटी ब्रीच की है। चन्नी सरकार का कहना है कि किसान सिर्फ विरोध कर रहे थे, कोई अटैक नहीं करना चाहते थे। तो ये सब के बीच में जो जांच होगी उसमें पता चलेगा कि किस तरह की ब्रीच थी और ये क्या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था एसपी जी और पंजाब पुलिस के बीच में।